उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर है, सुरक्षा के तमाम दावे सरकार करती है, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है ये बात किसी से छिपी नहीं है। बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर सिर्फ दुख व्यक्त करने के अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं है। मामला आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र का है, जहां 10 वर्षीय बच्ची ने पड़ोसी पर दरिंदगी का आरोप लगाया है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को जमकर धुन दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति की 10 वर्षीय बेटी अपने घर से कुछ ही दूरी पर गांव के सिवान में अपने खेत पर जा रही थी कि रास्ते में पहले से ही बैठे उसके पड़ोसी राकेश निषाद पुत्र स्वर्गीय राम सागर निषाद ने उस लड़की को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर उसका मुंह दबाकर अपने कमरे में ले गया और मुंह दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद लड़की ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग उस कमरे के पास इकट्ठा हुए तो देखा कि लड़का लड़की के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में है। किसी तरह से पीड़ित लड़की ने कमरे का दरवाजा खोला तो स्थानीय लोग कमरे में पहुंचे। आपत्तिजनक हालत में बच्ची को देखकर लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी राकेश निषाद को मारने पीटने लगे। इतने में किसी ने इसकी सूचना अतरौलिया थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर लालता प्रसाद साहू तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी में जुट गए। साथ ही घायल आरोपी को पुलिस ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से बातचीत किया और मौके का निरीक्षण भी किया। इस संबंध में आजमगढ़ पुलिस कप्तान ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस पहुंच गई। पीड़ित की मां की तरफ से तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा दर्ज हुआ है। बात करें अगर धाराओं की तो मुकदमा नंबर 46/22, धारा 354, 342, 504, 506, 323, 11/22, पास्को एक्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को 112 नंबर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के मोहल्ले के रहने वाले एक युवक के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी, सीओ साहब और एडिशनल एसपी रूरल सब लोग मौके पर गए। तत्काल परिजनों से तहरीर लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धारा 354, 342, 323, 504, 506 और 11/12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR पंजीकृत कर ली गई है। अभियुक्त पुलिस के हिरासत में है और आगे इसमें कार्रवाई, विश्लेषणात्मक कार्रवाई जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप की जाएगी। इसके साथ साथ गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी अभियुक्त के विरुद्ध की जाएगी, क्योंकि ये महिला संबंधी और बच्चों संबंधी अपराध है, गंभीर अपराध है, इसमें हम आगे गुंडा की कार्रवाई भी करेंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।